अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परवीन का यमी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कप पिज्जा। तो ये बहुत ही सिंपल है और यूनिक है। चलिए फटाफट देखते हैं इसकी रेसिपी। कप पिज्जा बनाने के लिए हमें लेना है एक कटोरी मैदा। पिज्जा बनाने के लिए जो रोटी होती है उसी तरह से जो रोटी हम यूज करते हैं, इसका ये पिज्जा बनाने के लिए इसका बेस जो बनेगा इस मैदे के आटे से बनेगा। तो अभी हमें लेना है 1/2 टेबल स्पून सोडा, 1 टेबल स्पून नमक लेना है हमें, साथ ही हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इसके बाद हम लेंगे दही। दही हमें 2 से 3 टेबल स्पून लेना है। आप कोई भी ब्रांड की दही ले सकते हैं। और ये सब चीज़ों को हमें अच्छे से पानी की मदद से मिला लेना है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा हम पानी इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो इसे हमें एक रोटी की तरह नहीं गूंदना है, थोड़ा सा हमें इसे ढीला रखना है, पतला रखना है। आगे आपको समझ जाएगा कि आपको ये क्यों ऐसे रखना है। हमें इसे कप में डालना रहेगा 2 से 3 स्पून, तो इसी तरह हमें थोड़ा सा पतला रखना है इसे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और पानी मिक्स कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा हल्का सा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। अब इसके बाद में मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से ताकि ये स्टिकी ना लगे ज़्यादा। फिर बाद में हमें इसे 15-20 मिनट के लिए साइड में रख देना है और फिर आगे की तैयारी करेंगे हम। सेकेंड स्टेप, ये देखिए हमारा ये जो बेस है पिज्जे का वो रेडी हो गया है। इसे भी हम रेस्ट करने रख देंगे और फिर आगे की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए, ये है मोज़रेला चीज़। तो हमें कोई भी ब्रांड का चीज़ लेना है और इसी तरह से हमें क्रश कर लेना है चीज़ को। तो अभी नेक्स्ट है, आपको ये स्टील के ऐसे कप लेना है। अगर आपके पास में कप नहीं है, कटोरी है, तो आप कटोरी भी ले सकते हैं। तो अभी जो मैदे के आटे का हमने ऐसे पतला सा बैटर बना के रखा था, इससे हमें 2 से 3 टेबल स्पून स्टील के कप में ऐसे डाल देना है हमें और बाद में इसे टैप टैप करना है। इसकी एक अच्छी सी लेयर बना देनी है नीचे, ठीक है। इसी तरह से मैं सारे कप में मैदे का आटा 2 से 3 टेबल स्पून डाल दूंगी और उसे बाद में टैप कर दूंगी। फिर आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ आपको। एक कप कटोरी आटा अगर आप लेते हो तो आराम से 6 से 7 पिज्जा बन जाता है। तो देखिए, आपको इसी तरह से डालना है। अगर कप ना हो तो आप कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे कप में मैंने डाल दिए है, टैप टैप भी कर दिए हैं और ये रेडी हो गया है। तो पहले मैं 4 कप में जो है फिलिंग कर दूंगी इसकी, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। फर्स्ट लेयर होने के बाद में अभी सेकेंड लेयर हम डालेंगे पिज्ज़ा सॉस। ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है, 15 से 20 रुपये का पाउच रहता है, तो आसानी से मिल जाता है और ज़रूर लाइए, इस्तेमाल कीजिए। और ये 2 से 3 टेबल स्पून डालने के बाद में इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, सेकेंड लेयर बना लीजिए इसकी। इसी तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो मेरे और भी है कप पिज़्ज़ा रखा हुआ है, मैं बाकी के ऑफ वीडियो में बना दूंगी। ये मैं आपको बताने के लिए मैंने 4 कप लिए हैं और इसे बना रही हूँ कि अच्छे से आपको पता चल जाए आसानी से। फिर ये है सब्जी। सब्जी में आपको लेना है भुट्टा, जिसे कॉर्न कहते हैं, उसके दाने निकाल लेना है। और हमें 3rd लेयर इसकी सब्जियों की बनाना है। वेजेस डालना है आपको, जो वेजेस पसंद है आप डाल सकते हैं। मैंने कॉर्न लिया है और यह है कैप्सिकम, शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च है। आपको इसे भी अच्छे से बारीक चॉप कर लेनी है और इसे भी डालना है। फिर मैंने थोड़े से अनियन लिए हैं, काट लिए, उसे भी बारीक चॉप किए हैं। और टमाटर भी आपको 1 से 2 ही लेना है। और अनियन जो प्याज होता है उसे भी आपको 1 से 2 ही अच्छा बारीक चॉप करना है। तो ये देखिए, हमारी वेजिस की जो 3rd लेयर है वो रेडी हो गई। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसकी भी लेयर बना ली हूँ। इसके बाद में हम डालेंगे ओरिगैनो। तो ये पिज्ज़े में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है, इसके बिना पिज़्ज़ा अधूरा है।
तो आपको ये बाज़ार में कहीं से भी मिल जाएगा आसानी से। इसके बाद में जो हमने मोज़रेला चीज़ है वो क्रश करके रखे थे, उसे डालेंगे, अच्छी मोटी लेयर बनाएंगे इसकी। जो पिज़्ज़ा है वो चीज़ के बिना अधूरा है, तो जितना ज़्यादा आप चीज़ डालोगे उतना ज़्यादा यमी पिज़्ज़ा बनता है। अगर आपको मोज़रेला चीज़ नहीं मिलती है तो आप नॉर्मल चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर आपको मिल जाए तो आप यूज़ कीजिए मोज़रेला चीज़। इसके बाद में हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और चिली फ्लेक्स डालिए। तो ये मैंने सारे कप पिज़्ज़े में चिली फ्लेक्स डाल दिए, और थोड़ा सा फिर हम चीज़ के ऊपर भी ऑरिगेनो थोड़ा सा हम डाल देंगे टेस्ट के लिए। तो ये रेडी है, तो सारे कप रेडी हो गए। चलिए अब इसे बेक करते हैं। तो ये रहा हमारा देसी ओवन, जिसके पास ओवन होगा तो वो ओवन में बेक कर लीजिए, जिसके पास नहीं है तो वो इस तरीके से कर लीजिए। तो ये रहा हमारा देसी ओवन, और इसमें जाएंगे 4 पिज़्ज़ा कप। अगर आपके पास और बड़ा बर्तन है तो आप और बड़ा बर्तन रख के भी बेक कर सकते हैं। अब इसे हम ढक देंगे, 20 मिनट के बाद में हम इसे चेक करेंगे कि ये अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। और हमें फ्लेम रखना है, आँच जो है हमें मीडियम से हाई के बीच में रखना है, और आफ्टर 20 मिनट के बाद में हम चेक करेंगे। तो 20 मिनट्स हो गए हैं, और जो पिज़्ज़ा है वो बर्तन में से ही नज़र आ रहा था कि अच्छे से कुक हो गया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी। तो ये देखिए, मैं 2 स्पून की मदद से ये बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि ये गर्म है अभी, तो हमें आसानी से जैसा सही पड़ता है वैसा निकाल लीजिए। तो देखिए, मैंने ऐसे 2 स्पून की मदद से निकाल लिए आसानी से। आप कुछ भी अपना जुगाड़ लगा के भी आप निकाल सकते हैं, पकड़ से, किसी भी हथियार से। बाकी के पिज्ज़े में ऑफ कैमरे में बेक कर लूँगी। तो चलिए इसे सर्व करते हैं अभी। तो देखिए कितना यमी सा कप पिज़्ज़ा रेडी हो गया है बनके, तो बहुत ज़्यादा यमी बना था। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करें कि आपका कप पिज़्ज़ा कैसा बना था। तो आप इसे बच्चों को एक एक कप पिज़्ज़ा आसानी से बना के दे सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये, यकीन मानिए। और जो आप देख रहे हैं कि ये मोज़रेला चीज़ मैंने यूज़ की थी वो कितना अच्छा फॉर्म में आ गया है उधर पे, जैसे कि हम बाहर खाते हैं सेम वैसे ही बना था, टेस्ट भी वैसे ही बना था। घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए। अगर ये रेसिपी आज की आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इंशाल्लाह मैं और भी ऐसी डिलीशियस रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।